हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 50 ऐसे आइडियाज बताने वाला हूँ, 50 ऐसे यूनिक आइडियाज बताने वाला हूँ जिन पर आप वीडियोस बना करके अच्छे खासे व्यूज ले सकते हो और अच्छे खासे आप ग्रोथ कर सकते हो बहुत कम समय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा पेट्स एंड एनिमल्स का। गाइज, अगर आपके पास कोई डॉग है या आपके पास कैट है तो आप डेली उसको क्या खिला रहे हो, कैसे आप उसके साथ मस्ती कर सकते हो और कैसे आप करते हो, उसकी पूरी वीडियो शूट करके आप एडिट करके उसके अंदर अच्छा सा म्यूजिक लगा के या आपको नेचुरल वॉइस में उसको करके आप वो अपलोड कर सकते हो और उसपे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है। भाई आप देख सकते हो मेरे डिस्प्ले पर कितने अच्छे मिलियंस में व्यूज आते हैं भाई इस तरह की वीडियोस पर। ठीक है तो दोस्तों, आई होप आपको ये नीच अच्छा लगेगा। दोस्तों दूसरा नीच है मेरा डांस ट्यूटोरियल्स। अगर आप डांस मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आप डांस सिखाओगे अपनी ऑडियंस को तो आपके पास कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव ऑडियंस आ जाएगी जो आपकी वीडियोस को देखना पसंद करेगी, जिसको उस चीज में इंटरेस्ट है, जिसको डीआईडी में जाना है या जिसको रियलिटी शो में जाना है, जिसको डांस करना अच्छा लगता हो, जो बॉलीवुड में जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सिखा सकते हो अलग अलग का। क्लासिकल डांस सिखा सकते हो या आप कोई कथक डांस सिखा सकते हो, जो आपको डांस आता हो वो आप सिखा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। वो आप अगर लोगों को अगर आपकी आपका डांस पसंद आया तो भाई आपकी वीडियो जरूर चलेगी और इस तरह की वीडियो बहुत चलती है। ठीक है, तीसरा है मैजिक ट्रिक। भाई मैजिक ट्रिक भी एक अच्छा नीश है। अगर आप मैजिशियन हो और अच्छी आप ट्रिक जानते हो, मैजिक करना आप जानते हो, तो आप अपनी वीडियो शूट करके YouTube पर डाल सकते हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड कर सकते हो, क्योंकि मैजिक की वीडियोस को लोग बहुत देखते हैं और उस पर अच्छा खासा ऑडियंस रिटेंशन भी जाता है। और काफी मुझे इतना पता है कि क्योंकि जब मैं किसी मैजिक की वीडियो देखता हूँ तो भाई स्टार्टिंग से लास्ट तक उसको कंप्लीट देखता हूँ, बीच में छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो अगर आप एक अच्छे खासे मैजिशियन हो, आप मैजिक करना जानते हो, तो भाई आप वीडियोज बना सकते हो। दोस्तों चौथा नंबर है योगा। अगर आप योगा कर रहे हो या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो अपने योगा से रिलेटेड, तो आप योगा की वीडियोस बना सकते हो अलग अलग एंगल में शूट करके। आप योगा सिखा सकते हो, कौन सा पद्मासन, हलासन, जो जो आप योगा जानते हो या आप सीख रहे हो अपनी कहीं क्लास ले रहे हो आप योगा की, और घर आकर के जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उसकी वीडियो शूट करके आप उसको भी यूट्यूब पर डाल सकते हो। ठीक है, तो लोग क्योंकि भाई हर कोई आज के टाइम में फिट रहना चाहता है, तो योगा एक ऐसा माध्यम है, घर बैठे थोड़ी सी एक्सरसाइज करके योगा करके हम फिट रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा नीश है। अगर आप योगा के बारे में जानते हो तो भाई आप योगा पर वीडियो बनाओ और यूट्यूब पर डालना शुरू कर दो। यहीं पर मैं नाम लेना चाहूंगा पांचवा, जो कि एजुकेशनल वीडियो। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में एजुकेशन। अगर आप मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, अगर आप पांचवीं क्लास में हो, छठी में हो, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं या बारहवीं में हो या आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो भाई आप जो पढ़ रहे हो कॉलेज में या स्कूल में वीडियो पर बता सकते हो कि आज हमें मैडम ने ये पढ़ाया है, ये चैप्टर पढ़ाया है, अपना चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो वीडियो के सामने, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकते हो। वहां पर आप बोल सकते हो कि आज हमारी मैम ने ये पढ़ाया, ये टॉपिक है, इस टॉपिक से मेरे को ये समझ में आया। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपसे जो पढ़ाई जो आपकी क्लास के बच्चे हैं वो आपसे जुड़ेंगे और वहां से भी आप कमा सकते हो। अच्छा, अगर आपके मन में है कि भाई मैं पढ़ाई भी करता रहूं और साथ साथ में जो स्कूल से सीख रहा हूं मैं उसको यूट्यूब पर बता सकता हूं, तो भाई आप बताओ। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपके अंदर वो कला है, आपके अंदर वो स्किल्स हैं, तो भाई आप जरूर वीडियो बना सकते हो इस टॉपिक पर भी। ये भी बहुत अच्छा निश है। यहाँ पर छठा नंबर है बाइक एंड कार की रिव्यूज। भाई साहब मिलियंस में व्यूज आती है। जो लोग बाइक और कार के शौकीन होते हैं ना भाई, वो पूरी वीडियो देखते हैं भाई, क्या फीचर्स आए हैं, कौन सा मॉडल है, क्या क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, और किस कौन सी बाइक चल रही है, कौन सी स्पोर्ट्स बाइक है, कौन सी नॉर्मल बाइक है। मतलब बाइक्स और कार के रिव्यूज की वीडियोस भी मिलियंस में जाती हैं भाई। जो इनके बाइक और कार लवर्स है ना भाई, वो वीडियो बना सकते हो इस पर, जिनको अच्छी खासी नॉलेज है बाइक और कार के बारे में। ये भी बहुत तगड़ा नीश है। अगर आपको नॉलेज है इस टॉपिक्स पर, अगर आपको नॉलेज है बाइकों की, अगर आपको नॉलेज है कार की, तो भाई आप वीडियो बना सकते हो दोस्तों। ये भी बहुत अच्छे व्यूज आते हैं इस तरह की वीडियोस पर भी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सातवां टॉपिक क्या है हमारा, वो है मेकअप एंड ब्यूटी। दोस्तों गाइस, ये लड़कियों के लिए भी हो सकता है और हो सकता है लड़कों, ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। अगर आप अच्छा खासा अगर आपको मेकअप करना आता है या आप मेकअप करते हो अपने फ्रेंड के, या आपको मेहंदी लगानी आती है, तो भाई आप उसको शूट करो मोबाइल पे और मेकअप भी आप शूट कर सकते हो। आपको कैसी आईलाइन लगानी है, कहाँ पे क्या लगाना है, क्या मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको किस तरह से आप सिखा सकते हो अपनी ऑडियंस को, वो भी आप शूट करके वीडियो बना करके आप यूट्यूब पर डाल सकते हो। भाई
मैंने देखा है इसकी वीडियोस भी बहुत चलती हैं, और लोग कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रखते हैं मेकअप करने में, और बहुत फुल वीडियो देखते हैं भाई, फुल वीडियो देखते हैं, क्योंकि भाई मेकअप एक ऐसी चीज है काले से इंसान को गोरा बना देती है। और बहुत सारे यार, मैं खोलना नहीं चाहता इस चीज में तो मतलब मेकअप के ऊपर अगर आपको नॉलेज है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, तो आप मेकअप के ऊपर भी ज्ञान दे सकते हो अपना ऑडियंस को, तो ये भी बहुत अच्छा निश है। यहां पर मैं आठवां नाम लेना चाहूंगा, कुकिंग। अगर आपको कुकिंग आती है, कुकिंग के आइडियाज आप बता सकते हो कि भाई आपको नॉनवेज कैसे बनाया जाता है, वेज कैसे बनाया जाता है, नॉनवेज के भी अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारी नॉनवेज की डिशेज होती हैं, बिरयानी कैसे बनाते हैं, दम बिरयानी कैसे बनाते हैं, हैदराबादी, मुरादाबादी, कौन कौन सी बादी आपको बिरयानी जो आती है आप बता सकते हो, या आपको वेज में ज्यादा अच्छा आता है, या आपको अंडा करी आता है, आपको कुछ भी, आपको अगर आपको आता है कुकिंग में तो आप वो बनाना सिखा सकते हो भाई, बहुत लोग करते हैं और अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हो कुकिंग में, तो आप कुकिंग का चैनल खोलो और भाई बहुत तगड़ा कमा सकते हो आप बहुत कम समय में, क्योंकि मैं भी जब कभी कभी मेरे सामने कुकिंग की वीडियोस आ जाती हैं तो भाई मैं पूरी वीडियो देखता हूँ, क्योंकि बड़ा मजा आता है यार जब उसकी वो बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब तेल वेल डल के अखनी तैयार होती है, अखनी के बाद जब नॉनवेज उसके अंदर गिरता है भाई साहब, यार मन करता है कि भाई अभी चला जाऊं मार्केट में और खा लूं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो कुकिंग के अंदर तो आप कुकिंग का भी चैनल खोल सकते हो। उसके बाद है नाइन्थ, जो कि बेबी वीडियोस। अगर आपके घर में बेबीज है, आपका बेबीज क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसको बहुत सारे खिलौने लाके दे सकते हो आप, जिससे वो खेल के अपना मन बहला लेगा, और आप उसकी वीडियो बना सकते हो अच्छे अलग अलग एंगल से, उसके रोते हुए की, उसकी हंसते हुए की, उसके खेलते हुए की, ये वीडियोस इजिली से शूट कर सकते हो आप। इसमें कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिटिंग करने की इसमें कोई खास जरूरत नहीं है, आप अलग अलग एंगल से वीडियो शूट करके अपने बेबी की, और अपने वो भी यूट्यूब पर डाल सकते हो भाई, बहुत बच्चे देखते हैं, मैंने देखा है, ये जो नीश है बहुत तगड़ा नीश है, अगर आप इस पे वर्क करोगे तो भाई आपके मिलियंस में व्यूज आएंगे। अगर आप इस नीश पर वर्क करते हो, आपके पास कोई बेबीज है, आप उसकी वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल सकते हो, अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हो। यहां पर मेरा अब आने वाला है लास्ट, जो कि कॉमेडी। अगर आपको कॉमेडियन, आपको स्टैंड अप कॉमेडी आती है, या आपको सोलो कॉमेडी आती है, किसी भी तरह की आप कॉमेडी आती है, तो आप कॉमेडी का चैनल भी बना सकते हो। अगर आपको कॉमेडी आती है तो ये भी एक बहुत अच्छा नीश है कॉमेडी भाई, कहीं ना कहीं लोगों को, एक जो लोग नाराज होते हैं और उनके सामने कॉमेडी वाली वीडियो आ जाती है तो भाई मजा आ जाता है, उनका जो उनका मूड है ना एकदम फ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 10 निश बताए हैं जो कि बहुत इस वक्त ट्रेंडिंग में, आप भी अगर इंटरेस्ट रखते हो तो भाई आप वीडियो बना सकते हो उन पे। बाकी के 40 जो नीश हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप आइडियाज ले सकते हो। और मुझे बताओ भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।